उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। इंशाल्लाह तमाम आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड हैं, ओपन पोर्स हैं, तमाम क्लियर हो जाएंगे। घर बैठे ना पार्लर जाने का खर्चा और ना ही महंगा ट्रीटमेंट कराने का खर्चा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए हमें जो पहला मैं कुछ तरीका बता रही हूँ, ये तो बेहद आसान तरीका, हर घर में ये चीजें मौजूद होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट आपने लेना है व्हाइट कलर का ही। इसमें आपको टूथपेस्ट चाहिए होगा, आपने ले लेना एक मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट ले लोगे। अगर ज्यादा ब्लैक हेड है, ओपन पोर ज्यादा है, तो आपने इसकी क्वांटिटी को डबल कर लेना है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट में हमें चाहिए होगा हाफ अ टेबल स्पून, हम इसमें ले रहे हैं शहद, जिसको हम हनी कहते हैं। और इसके बाद थर्ड इन्ग्रीडियंट एक और मैं इसमें लूँगी। टोटली तीन इन्ग्रीडियंट हमने इसमें लेने हैं, जिसमें हमने शहद लिया है, थोड़ा सा हमने इसमें टूथपेस्ट लिया जो कि वाइट कलर में होगा, और साथ ही साथ हमने इसमें ले लेना है बेसन जो कि थर्ड इन्ग्रीडियंट है। ये तीनों चीज़ें जो हमारे नाक पर, हमारी चिन पर, ख़ासतौर पर वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयल यानी बहुत ज़्यादा ठहर जाता है। आपको तो पता है गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा ऑयल हमारे नाक पर और हमारे चिन वाले एरिया पर आता है, तो वहां पर क्या होता है कि ब्लैक हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ब्लैक हेड बनते हैं, कुछ लोगों को व्हाइट हेड्स बनते हैं, दोनों ही निकालना बेहद मुश्किल काम है जी। तो मैं इसको आसान बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। ना सिर्फ जी ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकलेंगे, बल्कि जी आपकी स्किन भी ब्राइट होगी और साफ होगी। तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, इसमें कोई दूध, कोई पानी, कुछ भी शामिल करना, बस इसी के साथ शहद के साथ आपने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसको आपने अप्लाई करना है अपनी चिन पे, अपने नोज पे, 5 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है। और 5 मिनट के बाद आपने एक टॉवल लेना है, उसको नीम गर्म पानी में डालकर थोड़ा सा जी आपने इसको प्रेस करना है, और उसके बाद इसको आप रिमूव कर लोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपके जो ब्लैक हेड हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। ट्वाइस अ वीक आप इसको आराम से कर सकते हो। वीडियो के अगले हिस्से में चल के मैं आपको बताऊंगी किस तरह डिस्प्रीन को यूज करके आप अपने ब्लैक हेड को जड़ से खत्म कर सकते हो, वो तरीका क्या है। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, दो मुख्तलिफ और बेहद आसान तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए जी आप जितने भी ब्लैक हेड उनको भी रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ, साथ साथ मैंने आपको दिखा भी दिया एप्लीकेशन लगाने का भी तरीका, इसको उतारने का भी तरीका, ठीक है जी। और बेहद आसान तरीका है, मेरा तो आजमाया हुआ है, तो आप भी इसको जरूर आजमाइएगा। अपना फीडबैक आपने मुझे देना है अपने कमेंट के थ्रू। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा फॉर डेली वीडियोस। तो इसके साथ चलते हैं जी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये तरीका आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा, बेहद आसान तरीका, तमाम चीजें घर में मौजूद होती हैं। तो चलते हैं जी अगले तरीके की तरफ। उसके लिए इजी तरीका क्या है, पार्लर भी ना जाना पड़े, ज़रा पैसे भी ना खर्च करने पड़े, स्टीम भी ना लेनी पड़े। तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 टैबलेट आपको चाहिए होंगे डिस्प्रीन की, और इनको आपने फटाफट कूट लेना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, इजी आइडल किचन के नाम से जी, वहाँ पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप उसको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डर्ट और पोल्यूशन होने की वजह से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसमें डर्ट और पोल्यूशन की वजह से ढेर सारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। मुसामों के खुलने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह जम जाती है, या फिर कुछ हम इस तरह का खाते हैं उसकी वजह से भी कुछ इस तरह की हमारे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। बेशुमार रीज़न है, गर्ल्स को भी होते हैं, बॉयज को भी होते हैं, मर्द औरतें दोनों में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो इसको किस तरह आप डीप क्लीन कर सकते हो, मुख्तलिफ तरीके हैं, बेशुमार तरीके हैं इसको जो रिमूव करने के, लेकिन जो ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आपके इस मसले को मिनटों में हल कर देगा, ठीक है जी। हमने टेबलेट को पीस लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हम इसमें सेकेंड इन्ग्रीडियंट चाहिए होगा ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, 1 से 2 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे ताकि हमें जब हम इसको एप्लीकेशन को अप्लाई करें तो ड्राइनेस ना हो। ब्लैक हेड वाहिद वो मसला है जिसको हमें निकलवा भी लें तो फिर हफ्ते के बाद या 7 दिनों के बाद फिर से ये हमारे जो पोर्स होते हैं उनके अंदर ब्लैक हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हर दिन पार्लर जाना, हर दिन महंगी क्रीमें लेना तो अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। तो ये एक मामूली सा जी आसान सा एक घरेलू नुस्खा है, एक टोटका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, उसके अंदर हमने डाली है ग्लिसरीन, 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें डाली थी। उसके बाद हमने इसमें चाहिए होगा इसका हम पेस्ट टाइप बनाएंगे, ठीक है जी। पेस्ट हमारा किसके साथ बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे विनीगर के साथ। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनीगर है तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो घर में सफ़ेद सिरका सबके पास मौजूद होता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जो मेरे देखने वाले प्यारे व्यूवर्स हैं उनके पास घर में चीज़ें मौजूद हों, उनको ज़्यादा जी खर्चा वगैरह ना करना पड़े,
तो अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है वो भी आप ले सकते हो, अदरवाइज ये सफेद सिरका हर घर में मौजूद होता है, आप इसमें ले लोगे एक कैप इसकी, ठीक है जी, हाफ अ टेबल स्पून हम इसमें ये ले लेंगे। उसके बाद जी इसको हमने डालकर इसको मिक्स करके छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए इस पेस्ट को, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको रख देना है ताकि जी 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह जो तमाम चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट के बाद इसको आपने जहाँ पर भी आपके खासतौर पर नोज़ के ऊपर बहुत ढेर सारे ब्लैक हेड हो जाते हैं उसको ईजी रिमूव करने के लिए आप अप्लाई करोगे। आगे चल के वीडियो में मैं दिखाऊंगी भी लगाना भी और वीडियो के अंदर रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को देखते हो, पसंद करते हो, थैंक यू सो मच। दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा। ओके जी, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब हम वेट करेंगे 2 मिनट का और उसके बाद जी हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अवल तो ये हर स्किन टाइप को सूट करता है और जिन लोगों का सूट नहीं करता तो फौरन से जी आपने इसको रिमूव कर देना। अगर आप इसको लगाओ तो थोड़ी इरिटेशन वगैरह महसूस हो तो आप इसको फौरन से रिमूव कर दोगे ठंडे पानी के साथ। दिस इज रेडी फॉर अप्लाई। अब हम इसको जाएंगे वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया था 2 मिनट का, ताकि ये 2 मिनट तक अच्छी तरह आपस में मिक्स भी हो जाए और जो इसमें थोड़ी तेजी वगैरह वो भी कम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलेंगे और मैं दिखाऊंगी हाउ टू अप्लाई दिस। ओके जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इसको लगा सकते हो। बस आपने क्या करना है, इस पेस्ट को, ये जो पेस्ट सा बन चुका है, इसको आपने नोज के इस वाले एरिया पर जहाँ पे बहुत ज्यादा अपना घर बना लेते हैं ब्लैक हेड्स और ना जाने क्यों इतना पीछे पड़ देते हैं, आपको समझ भी नहीं आती है। हालांकि अब खवातीन वगैरह क्या क्या होता है, वो इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते, बट घर का काम जो होता है उसकी करने की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से भी बहुत ढेर सारे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। और इसी तरह जो मर्द हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है जी इसकी शिकायत ब्लैक हेड्स की, क्योंकि वो बाइक वगैरह बेचारे चलाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डर्ट वगैरह डायरेक्ट उनके फेस पर आती है, पोल्यूशन की वजह से उनके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसमें ये डर्ट और पोल्यूशन ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। इसी तरह क्या होगा, ब्लैक हेड्स ना सिर्फ साफ होंगे बल्कि व्हाइट हेड भी साफ होंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम लगा रहने देंगे, 5 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। ओके जी, 5 मिनट हो चुके हुए हैं, अब मैं इसको साथ साथ रिमूव करूंगी और आपने थोड़ा थोड़ा सा साथ करना, नाक के पर हल्का हल्का हाथों से थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, ठीक है जी। ये नाक की जो टो होती है, जो नाक की नोक होती है, ठीक है, उसको आपने हल्का हल्का हाथों से सिर्फ प्रेस करना है तो बड़ी ईजीली ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एक तो नाक इतना प्यारा चमकेगा और उसके बाद क्या होगा कि ईजिली ये रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं।